भारत में हर रोज लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन कभी किसी ने ध्यान से ट्रेन का आखिरी डब्बा नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो एक ही मन में सवाल आता है कि ट्रेन के लास्ट डब्बे में एक्स का निशान क्यों बना होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों ट्रेन के लास्ट डब्बे में एक्स का निशान बना होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सोएब, आप देख रहे हैं सटेक हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इसे टेक हिंदी चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक्स का निशान इसलिए बनाया जाता है कि ताकि जब स्टेशन से कोई ट्रेन गुजरने के बाद कर्मचारियों को पता चल सके कि पूरी ट्रेन जा चुकी है। यह निशान या तो सफेद या तो पीले रंग का होता है। आखिरी डिब्बे पर एक्स का निशान के अलावा एक लाल रंग की लाइट भी लगी रहती है जो जलती बुझती है। अंग्रेजों के जमाने में इस लाइट को तेल से जलाया जाता था, लेकिन अब यह बिजली से चलती है। ये रेल के नियम के अनुसार इस लाइट का ट्रेन में आखिरी डिब्बे पे होना अनिवार्य है। इससे यह पता चलता है कि एक ही समय पे अगर एक ट्रैक पे दो ट्रेन आ जाए तो पीछे वाले ट्रेन को पता चल जाता है कि इस ट्रैक पे पहले से ही एक ट्रेन है। एक्स के निशान और लाल लाइट के अलावा ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर आप सभी ने एक बोर्ड लटकते हुए देखा होगा जिसमें LV लिखा होता है। अगर नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। LLV काले रंग या सफेद रंग में लिखा होता है। इसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी लास्ट डब्बा। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार अगर किसी भी रेलवे कर्मचारी को LV नहीं दिखता है तो इसका मतलब पूरी गाड़ी नहीं आई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मेरे चैनल पे पहली बार आया है। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो मैं इस तरह का और भी वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।